नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वाईफाई एजुकेशन हब। आज 6 फरवरी, 6 फरवरी का सेकंड शिफ्ट का पेपर अभी अभी खत्म हुआ है। हमारे दोस्त है, उनसे हम चर्चा करेंगे कितने क्वेश्चंस किए गए हैं और क्या क्या प्रश्न पूछे। कितने अटेम्प्ट किया आपने? 91 क्वेश्चंस किए गए। आपका एग्जाम हो गया, कितना अटेम्प्ट किया? 82। आपने 92 जी। आपने कितने किए? 100। टाइम मैनेजमेंट हो रहा है पूरा की टाइम हो रहा गंदा है? रेलवे गंदा है, टाइम कम पड़ रहा है, कम पड़ रहा है। कितने किए आपने? 104। 104 किए। आपने कितने किए? 105। 105 किए। और जीके में से करंट का क्वेश्चन पूछा गया क्या? करंट के कोई क्वेश्चन? 2011 का करंट, 2011 हाँ 11 का क्वेश्चन क्या पूछा, कोई याद है? कोई अरे शायद 2007 का था। आपका भी एग्जाम है? कितने किए आपने? मतलब रेलवे ने हद कर दी, टाइम दे नहीं रही। पेपर तो बहुत इजी था, नॉर्मल था, परंतु क्वेश्चन इतने लेंथी, पढ़ते पढ़ते टाइम बीत जाए। साइंस के कितने क्वेश्चन थे? साइंस के थे यार काफी थे। कोई क्वेश्चन है, कोई याद है आपको बताइए। आई एक तो नेहरू रिपोर्ट था। क्या था? नेहरू रिपोर्ट का निर्माण किसने किया? और एक था ये चिटगांव विद्रोह। चिटगांव विद्रोह के बारे में हुआ था ऐसा लगभग क्वेश्चन था। एक था कठोर कोयला का, कठोर कोयला कौन सा होता है? एक था उपभोक्ता दिवस और हाँ कब मनाया जाता। एक था ये तो बंगाल विभाजन का समाप्त कब समाप्त कब हुआ था? और पोर्टिकल में से क्या क्या सवाल पूछे? पोर्टिकल में से अनुच्छेद के कोई प्रश्न एक था, याद तो नहीं पड़ेगा। एक अनुच्छेद पोर्टिकल में एक ही प्रश्न पूछा गया क्या? अनुच्छेद के तहत वो शपथ दिलाता है किसके? गवर्नर, मुख्यमंत्री को। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था अनुच्छेद का। अनुच्छेद के और हिस्ट्री में से कोई प्रश्न पूछा गया? हिस्ट्री में से, ओल्ड हिस्ट्री में से? हिस्ट्री में से तो नहीं। नहीं हिस्ट्री में से कोई? और रीजनिंग में सबसे ज्यादा किस टॉपिक से प्रश्न पूछ रहे हैं? रीजनिंग में सर अनुपात मैसेजिंग तो बहुत सरल है। और आकृति काउंटिंग में क्या पूछा गया? जल दर्पण और प्रतिबिंब के बारे में पूछा। और कौन सी आकृति काउंटिंग वो लगा कि विषय आकृति त्रिभुज बने ये क्या वर्ग वर्ग समचतुर्भुज समचतुर्भुज कितने हैं? समचतुर्भुज और सरलरेखा के बारे में पूछा गया। और पोर्टिकल का कोई प्रश्न याद है? पोर्टिकल का एक तो कि किस अनुच्छेद के तहत जान जा के प्रचार नहीं कर सकते, धर्म का प्रचार क्यों प्रचार नहीं कर सकते? 28 और 30 के बारे में भी कौन से अनुच्छेद के तहत हुई है? और पुरानी हिस्ट्री में से इतिहास में से कोई प्रश्न? इतिहास में से एक वर्ल्ड का था, कोई गुफा उफा थी उसके बारे में पूछ रहा था। था और कोई राजधानी वगैरह मुद्रा वगैरह? ना ना उसमें नहीं थी, वो एक दिवस था 24 दिसंबर वाला दिवस था, उपभोक्ता दिवस को मनाया जाता है। उपभोक्ता दिवस। आपका हो गया एग्जाम? कितने किए सर? 83 किए। 83 किए। पेपर का लेवल कितने? टाइम मैनेजमेंट हो गया पूरा? टाइप मैथ्स थोड़ा था सर, टाइम नहीं हो मिला था। टाइप को मैथ्स, मैथ्स में त्रिकोणमिति के प्रश्न पूछे गए? नहीं एक भी नहीं पूछे, एक ही प्रश्न, एक प्रश्न था त्रिकोणमिति का। क्षेत्रमिति से पूछे गए थे? क्षेत्रमिति से प्रश्न पूछे गए? क्षेत्रमिति से 3-4 क्वेश्चन थे। कैलेंडर का कोई सवाल पूछा गया? घड़ी का जल प्रतिबिंब था, जल प्रतिबिंब था, जल दर्पण बनो थे और ब्लड रिलेशन संबंधी ज्यादा क्वेश्चन थे। निष्कर्ष भी थे 3-4 क्वेश्चन, कथन निष्कर्ष। और इसमें रेलगाड़ी से संबंधित नाव धारा में से सवाल थे, प्रतिशत से चक्रवर्ती ब्याज दो भी थे, दो यानी जो गाड़ियों से थे दो। स्पोर्ट्स यहाँ फर्स्ट पारी में भी स्पोर्ट्स है क्या? सुशील कुमार से था और एक था अभिनव बिंद्रा। किस खेल से संबंधित है? निशानेबाजी से। निशानेबाजी 2011 विश्व कप जीता पुरुषों ने।